नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया के किसी भी कोने में सामान पहुंचाने के लिए ट्रकों की जरूरत होती है, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। और अगर सेना की बात हो तो वो और भी खास हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किस सेना के पास कितने शक्तिशाली ट्रक हैं और उनकी खासियतें क्या है। इस कड़ी में जो पहला ट्रक है उसे अमेरिकी सेना यूज करती है और इसका नाम है LSVR, ओशकोश LSVR। ट्रक की लेंथ है 10.83 मीटर। ट्रक का वजन है 24 टन। ट्रक की पेलोड 12 से 20 टन। इंजन C-15 डीजल इंजन। रेंज 480 किलोमीटर। स्पीड 105 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो ट्रक आता है उसका नाम है MTVR, मीडियम टैक्टिकल व्हीकल रिप्लेसमेंट। मतलब MTVR वाहनों की एक श्रृंखला है जो एक सामान्य चेसिस पर आधारित है, जो पेलोड और मिशन आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होता है। MTVR एक उद्देश्य डिजाइन किया गया सैन्य वाहन है। हालांकि कम संख्या में वाहनों को विशेष अभियान के लिए व्यावसायिक रूप से बेचा गया है, जैसे कि जंगल की आग से लड़ना, और इस काम को करने में ये ट्रक माहिर है। ओशकोश MTVR ट्रक की लेंथ 8 मीटर। ट्रक का वजन 12.6 टन। ट्रक का पावर 42.5 HP। इंजन C-12 डीजल इंजन। स्पीड 105 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जो सेना का ट्रक आता है उसका नाम है मैन HX-77। मैन HX-77 ट्रक की लेंथ 10.13 मीटर। ट्रक का वजन 17 टन। ट्रक का पेलोड 15 टन। इंजन मेंड 2066 LE 34 डीजल इंजन। पावर 440 HP। रेंज 800 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे दुनिया के तीन हेवी सेना के ट्रक। अब जो ट्रक चौथे नंबर पर है उसका नाम है ओशकोश HEMTT, और इस ट्रक को ब्रिटेन की सेना प्रयोग करती है। ओशकोश HEMTT ट्रक की लेंथ 10.2 मीटर। ट्रक का वजन 10 टन। ट्रक का पेलोड 15 टन। इंजन 8V92 TA डीजल इंजन। पावर 450 HP। रेंज 640 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लास्ट और जो अंतिम नंबर पर आता है इसका नाम है अशोक लीलैंड। इस हेवी ट्रक को भारतीय सेना यूज करती है। अशोक लीलैंड ट्रक की लेंथ 9.77 मीटर। ट्रक का वजन 14.3 टन। ट्रक का पेलोड 15 टन। इंजन नेपच्यून 360 डीजल इंजन। पावर 450 HP। रेंज 800 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि पूरी दुनिया के पांच शक्तिशाली सेना के ट्रक कौन से हैं और इनकी ताकत कितनी ज्यादा है और इन ट्रकों को कौन सी सेना इस्तेमाल में लाती है।